हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना रावत और आपका मेरे चैनल द ड्रामा क्वींस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है वैक्सीनेशंस। तो वैक्सीनेशंस को लेके पेरेंट्स के मन में बहुत से सवाल आते हैं कि ये क्यों देना है, कौन सा वैक्सीनेशन देना है, कहाँ दे, गवर्नमेंट में दे, प्राइवेट में दे, ऐसे कई सवाल आपके मन में आते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके इन सवालों का जवाब लाया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो मैंने खुद ने रिसर्च किया है और ये बेस्ड अपॉन माय पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैक्सीनेशंस क्या है और क्यों देना चाहिए? वैक्सीनेशंस हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि वो सर्टेन डिजीज से हमें बचा सके। वैक्सीनेशंस में जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो उसके पार्ट हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। फ्यूचर में क्या होता है, अगर वो डिजीज कभी हमारे अंदर आई तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडी तैयार कर देता है। उससे क्या होता है कि हमें वो सर्टेन डिजीज होता नहीं है, अगर होगा भी तो उसका असर काफ़ी काफ़ी कम होता है। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं डेड बॉडी, उनके पार्ट्स डाले जाते हैं तो कहीं ये हार्मफुल तो नहीं है? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ये हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशंस जो है वो काफ़ी सारी रिसर्च टेस्ट से गुजरता है, उसके बाद में ही वो मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद भी उसको स्टडी किया जाता है। तो वैक्सीनेशंस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, उल्टा वैक्सीनेशंस आपको लेने चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आई रिमेम्बर मेरे पीडियाट्रिशियन ने कहा था कि बहुत सारे जो डिजीज़ है उसके अभी तक वैक्सीनेशन आए नहीं है। जैसे ले लो आप मलेरिया, उसका वैक्सीन अभी तक आया नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो उससे अच्छा जिन जिन के वैक्सीन आए हैं एटलीस्ट उससे तो बचा जाए। आफ्टर ऑल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आता है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। प्राइवेट में कौन से वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं, गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? ये अब है UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चों को कौन कौन से वैक्सीनेशंस कब कब दिए जाने चाहिए। तो ये प्रोग्राम में क्या, ये डिसाइड कैसा होता है, ये एरिया वाइज डिसाइड होता है। जैसे कौन से एरिया में कौन सा बीमारी ज़्यादा है, कौन से बीमारी डेडली है और उसका मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सब इसमें डिसाइड किया जाता है और एक लिस्ट बनाया जाता है। तो ये जो लिस्ट है इसमें रहता है कि कौन से हमको वैक्सीनेशन देने हैं बच्चों को, ये गवर्नमेंट के पास होता है। अब प्राइवेट क्या है कि प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स उनके पास ये वैक्सीनेशंस तो होते ही है, उसके अलावा जो ऑप्शनल वैक्सीनेशंस होते हैं वो भी प्राइवेट वालों के पास होता है। ऑप्शनल वैक्सीनेशंस जैसे TCV मतलब टाइफाइड के लिए होता है, चिकन पॉक्स के लिए होता है। अब आप बोलोगे कि चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीनेशंस की क्या जरूरत है, वो तो नेचुरल इम्यून भी ठीक कर देता है उसे। बट अगर किसी का वैक्सीनेशन आ रहा है, आप अगर वो चिकन पॉक्स से पहले ही अपने बच्चों को बचा सकते हैं उसके पेन से, उसके फीवर से, जो फेस में बॉडी में दाग रह जाता है उससे अगर आप बचा सकते हो अपने बच्चों को तो क्यों नहीं। आप ले लीजिए गर्ल चाइल्ड, जैसे गर्ल चाइल्ड को बचपन में ना होके बड़े होके प्रेगनेंसी के टाइम में अगर चिकन पॉक्स हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और कैसा होता है कि समझो जो बीमारियां हैं जो है अभी ये टाइम पे आपको समझो कुछ छोटी मोटी लगे, जैसे चिकन पॉक्स छोटा मोटा है, पर आगे चल के क्या पता यही बीमारी डेडली हो जाए। और अगर आपको कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे ये वे सारे ऑप्शनल वैक्सीनेशन जरूरी होती है, तो अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। उससे अच्छा आप वैक्सीनेशन ऑप्शनल भी ले लीजिए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन दिया जाता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन को मिलाकर एक वैक्सीन में ही दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके बेबी को मल्टीपल प्रिकिंग जो बार बार सुई टोचते हैं उससे नहीं गुजर, उसके पेन से नहीं गुजरना पड़ता है। अब बहुत सारे जन का कहना है कि गवर्नमेंट में जो क्वालिटी होता है वैक्सीनेशंस का वो अच्छा होता है और प्राइवेट में नहीं होता है। जैसे कभी बहुत सारे जन ये कहते हैं कि प्राइवेट में जो दिए जाते हैं वैक्सीन उसका काफ़ी टाइम बाद, जैसे 7 साल 8 साल बाद असर कम हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का वैक्सीनेशन का क्वालिटी इक्वल होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आया एसेंशियल एंड ऑप्शनल। तो मैंने खुद ने एक एसेंशियल एंड ऑप्शनल वैक्सीनेशन का एक लिस्ट बनाया है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। मैंने ये लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, बट आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए।
अब दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, पेनलेस एंड पेनफुल। पहले तो सिर्फ पेनफुल ही था, जो कि है DTP, मतलब डिप्टेरिया, टेटनस एंड पेट्रेसिस, ये होते थे। बाद में आया पेनलेस का कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों को अलग करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक होता है DTWP और दूसरा होता है DTAP। अब पेनफुल में क्या होता था कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत होते थे, जैसे बच्चे को पेन होना है, स्वेलिंग हो जाता है, बुखार होता है, वो क्यों होता है, जो पी पोषण होता है होल सेल, उसके वजह से होता है ये, इसलिए ये होता है DTWP पूरा सेल। और पेनलेस में क्या होता है, ये जो होल सेल है उसको हटा के ए सेलुलर कर दिया जाता है उसको, इसलिए वो DTAP हो जाता है। तो पेनलेस में कैसे, इसका आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होता है, या तो होता भी है तो बहुत कम होता है। ये जो पेनलेस है वो पेनफुल से कम इफेक्टिव है, बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर इफेक्टिव है। द ओनली डिफरेंस इन पेनफुल एंड पेनलेस इज द कॉस्ट। ऑब्वियसली जो पेनलेस का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेनफुल से। अब जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद में आपके पीडियाट्रिशियन आपको एक चार्ट देंगे जिसमें, या एक फाइल देंगे जिसमें लिखा रहता है कि कौन कौन से वैक्सीनेशन उनको कब कब देना है, मंथ वाइज हो, ईयरली हो, जो भी हो, ठीक है। कभी कभी कैसे हो जाता है कि आप अभी समझो वैक्सीनेशन आपका छूट जा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, आप बेबी बीमार है, या आप बीमार हो, या आप आउट ऑफ स्टेशन गए हो, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपका समझो वो टाइम पे आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए, आप स्किप नहीं कीजिए, वो हम बाद में भी दे सकते हैं। डॉक्टर जो डेट देते हैं वो ये सब बातें ध्यान में रख के ही देते हैं कि अगर एक दो दिन या एक दो हफ्ता ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए, बट स्किप मत कीजिए। अब क्या होता है, वैक्सीनेशन के बाद में बेबी को कभी कभी कैसे फीवर आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो आपको क्या करना है। अब ऐसे में अगर समझो बेबी को स्वेलिंग आ रहा है, तो जो पार्ट में, जो एरिया में बेबी को स्वेलिंग है, आप बर्फ से उसको हल्के हाथ से आप सेक सकते हैं, उसको मालिश नहीं करना है, नहीं तो स्वेलिंग बढ़ जाएगा, आपको बस सेकना है। प्लस आप अपने पीडियाट्रिशियन को पूछ लीजिए, वैसे तो आपके पीडियाट्रिशियन आपको खुद ही दवाई दे देंगे, बट आप पूछ लीजिए कि अगर फीवर आ रहा है तो बेबी को क्या मेडिसिन दे, कौन सा मेडिसिन दे। मेरे टाइम में, मायरा के टाइम में, जब मैंने मायरा को वैक्सीन दिया था, तो मैंने पूछा था मेरी पीडियाट्रिशियन ने, मुझे उन्होंने ये क्रोसिन दिया था, ये बड़ों का क्रोसिन नहीं है, ये बच्चों का है, ये ड्रॉप्स है क्रोसिन। वैसे तो पीडियाट्रिशियन खुद बता देंगे कि कितना ड्रॉप्स कब कब देना है, प्लस आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है एज वाइज कि कितना ड्रॉप कब कब देना है। ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो मैंने खुद ने रिसर्च किया है और बेस्ड अपॉन माय पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय।